नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देश। पहला, ए क्लास डबल व सिंगल लाइन के ब्लॉक स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की मुख्य शर्तें। ए क्लास स्टेशन पर किसी भी गाड़ी को तब तक लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा जब तक कि पहले आने वाली गाड़ी पूरी ना आ गई हो। उस गाड़ी के लिए ऑफ किए गए सभी सिग्नलों को पुनः ऑन स्थिति में ना कर दिया गया हो। जिस लाइन पर गाड़ी को लिया जाना हो वह लाइन होम सिग्नल से आगे 400 मीटर तक या स्टार्टर सिग्नल तक साफ ना हो। उस लाइन के सभी पॉइंट सेट व फेसिंग पॉइंटों को तालित ना कर दिया गया हो। दूसरा, बी क्लास डबल व सिंगल लाइन के ब्लॉक स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की मुख्य शर्तें। बी क्लास स्टेशन पर किसी गाड़ी को तब तक लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा जब तक कि पहले आने वाली गाड़ी पूरी ना आ गई हो। उस गाड़ी के लिए ऑफ किए गए आवश्यक सिग्नलों को पुनः ऑन स्थिति में ना कर दिया गया हो। दो संकेतीय सिग्नल व्यवस्था में सिंगल लाइन पर आने वाली गाड़ी को अपेक्षित पड़ने वाले एडवांस्ड स्टार्टर सिग्नल या सन्टिंग लिमिट बोर्ड या होम सिग्नल या फेसिंग पॉइंट तक लाइन साफ ना हो तथा डबल लाइन में अपेक्षित पड़ने वाले एडवांस्ड स्टार्टर सिग्नल या सेंटिंग लिमिट बोर्ड या फेसिंग पॉइंट तक तथा डबल लाइन पर अपेक्षित फेसिंग पॉइंट या ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड तक लाइन साफ ना हो। तीसरा, सी क्लास डबल व सिंगल लाइन के ब्लॉक स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की मुख्य शर्तें। सी क्लास स्टेशन पर किसी गाड़ी को तब तक लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा जब तक कि पहले आने वाली गाड़ी होम सिग्नल से 400 मीटर आगे ना निकल गई हो व उसकी यात्रा आगे जारी ना हो। उस गाड़ी के लिए ऑफ किए गए सभी सिग्नल पुनः ऑन स्थिति में कर दिए गए हों। लाइन होम सिग्नल से आगे 400 मीटर तक साफ ना हो। लाइन क्लियर देने की अन्य महत्वपूर्ण शर्तें। पहला, पहले आने वाली गाड़ी पूरी आ चुकी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन मास्टर स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ी के गार्ड के पास सक्षम रेल कर्मचारी को ट्रेन इंटैक्ट रजिस्टर देकर भेजेगा। गार्ड उसमें हस्ताक्षर करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी गाड़ी पूरी है व फाउलिंग मार्क साफ करके खड़ी है। इसके पश्चात वह उस रजिस्टर में गाड़ी आगमन का समय लिखकर हस्ताक्षर करेगा। दूसरा, इसके बाद वह स्टेशन मास्टर को दिन के समय हरी झंडी व रात के समय हरी बत्ती से हाथ को पूरा खोलकर 3 बार गोलाकार घुमाकर संकेत देगा। इस संकेत को देखकर स्टेशन मास्टर समझ जाएगा कि गाड़ी पूरी आ चुकी है और वह ब्लॉक उपकरण पर ट्रेन आउट ऑफ सेक्शन संकेत दे देगा तथा अन्य कोई गाड़ी आने वाली हो तो उसे क्लियर भी देगा। तीसरा, स्टेशन मास्टर समझ जाएगा कि गाड़ी पूरी आ चुकी है और वह ब्लॉक उपकरण पर ट्रेन आउट ऑफ सेक्शन संकेत दे देगा तथा अन्य कोई गाड़ी आने वाली हो तो उसे लाइन क्लियर भी दे देगा।
परंतु आगमन सिग्नल ऑफ नहीं करेगा जब तक कि ट्रेन इंटैक्ट रजिस्टर वापस ना आ जाए व स्टेशन मास्टर उसमें देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि गार्ड द्वारा कोई असामान्य टिप्पणी तो नहीं लिखी गई है जिससे अगली गाड़ी की संरक्षा प्रभावित होती हो। चौथा, इसी प्रकार स्टेशन मास्टर जो गाड़ी स्टेशन से रनिंग थ्रू जाने वाली हो उसके लोको पायलट व गार्ड के साथ ऑल राइट संकेत का आदान प्रदान करते समय उसके आखिरी डिब्बे पर लगे टेल बोर्ड टेल लैंप को देखकर सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी पूरी आ चुकी है। पांचवा, जो सिग्नल गाड़ी के लिए ऑफ किए गए थे वे वापस ऑन स्थिति में हो गए हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन मास्टर भुजा वाले सिग्नलों में दिन के समय सिग्नल की भुजा व रात के समय उसकी बैक लाइट को देखेगा। जो भुजा वाले सिग्नल गोलाई के कारण दिखाई नहीं देते हैं ऐसे सिग्नलों की स्थिति इलेक्ट्रिक रिपीटर द्वारा पता करेगा तथा कलर लाइट सिग्नलों में ऑन स्थिति स्टेशन पर लगे इंडिकेटरों के द्वारा मालूम करेगा। छठवां, स्टेशन मास्टर स्विचमैन अपने TSR TMR को देखकर यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी नहीं है तथा ब्लॉक उपकरण लाइन क्लोज्ड स्थिति बता रहे हैं। सातवां, सभी सिग्नलों के लैंप रात व धुंध कोहरे के समय तेज व स्पष्ट जल रहे हैं। यदि उन्हें जलाए रखना संभव ना हो तो खराब माना जाएगा। आठवां, बी क्लास सिंगल लाइन के स्टेशन पर उस दिशा का संटिंग टोकन स्टेशन मास्टर के पास होना चाहिए। नौवा, जहां अगले ब्लॉक सेक्शन में AD टाइप का एडवांस सेक्शन हो और वहां किसी गाड़ी को भेजा हुआ हो तो पिछले स्टेशन को तभी लाइन क्लियर दिया जाएगा जबकि वो गाड़ी अगले ब्लॉक स्टेशन पर पहुंच जाए। दसवा, आंधी धुंध कोहरे के समय जिन स्टेशनों पर पटाखे लगवाना आवश्यक हो वहां फॉग सिग्नल मेन को पटाखा सिग्नलों के साथ स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के बाहर पटाखे लगाने के लिए भेज दिया जाएगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि स्टेशन के सभी सिग्नल जो रात के समय जलाए जाते हैं वे दिन में भी जला दिए गए हैं। 11वां, निम्नलिखित परिस्थितियों में पिछले स्टेशन को सतर्कता आदेश जारी करने हेतु निर्देश दिया जाएगा व उसकी पावती प्राइवेट नंबर के साथ प्राप्त की जाएगी। जब गाड़ी को अवरुद्ध लाइन पर लेना हो, जब गाड़ी को खराब पॉइंट पर लेना हो, जब किसी गाड़ी के लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में लाइन का असामान्य झटका लगा हो और उसने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को लिखित में दी हो तो उस सेक्शन में जाने वाली अगली गाड़ी को। 12वां, सेक्शन के ओवरड्यू हो जाने पर कलर लाइट सिग्नल ब्लैक ऑफ हो जाने पर डबल लाइन सेक्शन पर पास वाली लाइन पर कोई क्रेन कार्य कर रही हो डबल लाइन सेक्शन पर पास वाली लाइन पर कोई गाड़ी बिना टेल लैंप टेल बोर्ड के गुजरी हो डबल लाइन सेक्शन में पास वाली लाइन पर कोई गाड़ी खतरनाक स्थिति जैसे हॉट एक्सल गाड़ी से सामान गिरना कोई भाग लटक रहा हो या गाड़ी में आग लगी हो आदि में गुजरी हो।
बारवा, निम्नलिखित परिस्थितियों में गाड़ी रवाना करने से पूर्व सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा। डबल लाइन सेक्शन में कोई गाड़ी ओवरड्यू हो जाने पर पास वाली लाइन पर जाने वाली गाड़ी को, डबल लाइन सेक्शन पर यदि किसी गाड़ी का भाग ब्लॉक सेक्शन में स्वेच्छापूर्वक छोड़ा गया हो तो पास वाली लाइन पर जाने वाली गाड़ी को, उपरोक्त के अतिरिक्त स्टेशन नियम में कोई शर्त बताई गई हो तो उसका भी पालन किया जाएगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।